हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MTV किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सूजी की कचौरी। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, एक स्नैक आइटम है सूजी की कचौरी। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है जिसे आप आसानी से अपने घर पे बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब कचौरी बन के रेडी होती है ये, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। दिखने में बहुत सुंदर लगती है और खाने में भी इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है, एकदम क्रिस्पी बनती हैं ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो मेरी रेसिपीज़ को लेके, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सूजी का एक डो बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक नॉनस्टिक पैन में ऑयल डाला है 1 चम्मच। अब हम इसमें अजवाइन डालेंगे, 1/2 चम्मच अजवाइन मैंने डाली है इसमें, इससे फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। तो हम इसको पहले ऑयल में फ्राई कर लेंगे हल्का सा, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे अजवाइन का पूरा फ्लेवर आएगा हमारी कचौरी में। अब हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे, 1/4 स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, 2 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 कप सूजी लेने वाली हूँ। तो आप ये रेशो ध्यान रखिएगा 1:2 की, 1 कप सूजी में आपको 2 कप पानी लगेगा। अब हम पानी को हल्का सा वॉर्म करेंगे, ज़्यादा हमने इसको गर्म नहीं करना। उसके बाद हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। इस रेसिपी में आपको बारीक वाली सूजी लेनी है। ये देखिए, इस तरह से मैं सूजी ऐड कर दूंगी इसमें, और गैस की फ्लेम को हम लो रखेंगे बिल्कुल, और धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से, इसमें जो लम्स पड़ जाते हैं वो भी हम साथ साथ रिमूव करेंगे, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए सूजी जो है वो एक डो की तरह बन जाएगी और सारा पैन छोड़ देगी ये। ये देखिए आप देख सकते हैं धीरे धीरे किस तरह से इकट्ठी हो रही है और सारा पानी इसने अब्जॉर्ब कर लिया है। आप देख सकते हैं वीडियो में लम्स किस तरह से रिमूव कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से आपको भी सारे लम्स रिमूव करने हैं, नहीं तो ये बाद में कचौरी बनाते टाइम बहुत परेशान करते हैं। तो आप भी इस तरह से इसका एक स्मूथ डो बना लीजिएगा। ये देखिए डो हमारा रेडी है और सारे पैन को भी इसने छोड़ दिया है। आप इस रेसिपी में नॉनस्टिक बर्तन का ही यूज़ कीजिएगा, ताकि आपका जो बैटर है बिल्कुल भी ख़राब ना हो। ये देखिए डो हमारा रेडी है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए। ये डो को मैंने एक प्लेट में शिफ्ट कर लिया है, इसको हम थोड़ा सा ठंडा करने देंगे। इसको बिल्कुल ठंडा हमने नहीं करना, नहीं तो कचौरी बनाने में हमें मुश्किल होगी। हल्का सा इसको वार्म रखना है ताकि हम इसे टच कर सकें। इतने हम इसकी स्टफिंग बना लेते हैं। उसी पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरे को फ्राई कर लेंगे ऑयल के साथ। अब हम इसमें डालेंगे अनियन। अनियन को मैंने बारीक कट करके रखा है, 1 अनियन यूज़ कर रही हूँ मैं इसमें। अनियन को हल्का सा रोस्ट करेंगे हम। अनियन को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि हमने हल्का सा क्रंच रखना है अपनी स्टफिंग में। तो इसको बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे हम। अब मैं इसमें ऐड करी हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी मिक्स कर लेंगे अनियन के साथ। और ये मेरे पास थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा है, इसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ, जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे हमारे अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है स्टफिंग के अंदर। अब हम इसमें आलू डालेंगे, जो मैंने बॉयल करके और मैश करके रखे हैं। आप स्टफिंग में कोई भी वेजेज ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद की। बीन्स डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, कैरेट डाल सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा हो। अब हम इसमें ड्राई मसाले ऐड करते हैं, नमक डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे इसको थोड़ा चटपटा बनाने के लिए। आप इसकी जगह नींबू के रस का भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने रोस्टेड जीरा पाउडर डाला है इसमें। बस और मसाले हम स्टफिंग में ऐड नहीं करेंगे, इसी से हमारी स्टफिंग बहुत बढ़िया रेडी हो जाएगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है हमने। गैस की फ्लेम हमने लो ही रखनी है पूरे प्रोसेस में। ये देखिए स्टफिंग हमारी तैयार है, आप देख सकते हैं सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें धनिया पत्ती ऐड कर देते हैं, इसको भी मिक्स कर लेते हैं अच्छे से।
ये देखिए स्टफिंग हमारी तैयार है। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ। इसको हमें ठंडा होने देना है, उसके बाद हम कचौरी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है और जो सूजी का डो हमने रेडी करा था वो भी हल्का सा वॉर्म है कि हम उसे टच कर सकते हैं आसानी से। अब हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करेंगे और इस डो को चिकना कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक रब करके। ये देखिए इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा मसल के 1 मिनट तक रब करूँगी इस तरह से, ताकि बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूद हो जाए जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए 1 मिनट तक मैंने इसको मसल के बिल्कुल सॉफ्ट और स्मूथ कर लिया। आप देख सकते हैं डो हमारा रेडी है और स्टफिंग भी हमारी रेडी है। अब हम कचौरी बनाना स्टार्ट कर लें। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया यहाँ पर हाथों पे लगाने के लिए। अब हम थोड़ा सा डो लेंगे इस तरह से। ये देखिए हाथों पे हम इसे इस तरह से फैलाना है। अब हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और स्टफिंग को अच्छे से लॉक करना है हमने। ये बहुत आसानी से बन जाती है जैसे आप देख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे से हमने लॉक करना है ताकि हमारी कचौरी फटे नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए अब थोड़ा सा इसको नीट कर लेती हूँ मैं। ये देखिए इस तरह से हमारी कचौरी बन के रेडी है। अब मैं आपको एक और कचौरी बना के दिखाती हूँ। बहुत ही बढ़िया कचौरी बन के रेडी होती है ये। ये देखिए इस तरह से हाथ पे हमने इसको फैलाना है और कोशिश कीजिएगा आप इसको इक्वल ही फैलाएं हाथ पे, कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना हो। अब हम स्टफिंग को अच्छे से लॉक करेंगे अंदर। स्टफिंग हमारी बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए। डो अच्छे से इसमें कवर होना चाहिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा एक्सेस है, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ। अब इसको क्लीन कर लेंगे। ये देखिए ये हमारी दूसरी कचौरी भी बन के रेडी है। अब मैं इसी तरह से सारी कचौरियाँ बना के रेडी कर लेती हूँ पहले। ये देखिए कचौरियाँ मैंने सारी बना के रेडी कर ली हैं। अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए चलते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कचौरी डाल देंगे एक एक करके। कचौरी को हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है। और पहले हम इसे एक साइड से सिकने देंगे अच्छे से, उसके बाद हम इसे टर्न करेंगे। ये देखिए कचौरी को मैंने अभी तक पलटा नहीं है, बस इसको हल्का सा मूव करा है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और अब मुझे लग रहा है ये एक साइड से सिक चुकी है, तो अब मैं इसको टर्न करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो गया हमारी कचौरी पे। अब हम इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप है हमारी कचौरी की। कोई कचौरी हमारी फटी नहीं है क्योंकि हमने इसे अच्छे से लॉक किया था। और अब आप कलर भी देख सकते हैं कचौरी पे, बहुत सुंदर कलर आ गया गोल्डन ब्राउन कलर का। ये देखिए सारी कचौरी हमारी एकदम परफेक्ट बनी है। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ऐसी मैं बाकी भी कचौरियाँ फ्राई कर लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया इंस्टेंट रेसिपी है ये, एक स्नैक आइटम। आपको ये बहुत पसंद आने वाली है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए सारी कचौरियाँ हमारी बनके रेडी हैं। मैं आपको इसका क्रंच सुनाती हूँ। ये देखिए एकदम क्रिस्पी हैं ये बाहर से, और अंदर से सॉफ्ट होती हैं और बहुत ही सुंदर दिखने में भी लग रही हैं ये, आप देख सकते हैं वीडियो पर। बहुत ही बढ़िया हमारी सूजी की कचौरी बनके रेडी हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा MTV किचन को इसी तरह की इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग MTV किचन।